1, 2, 3, 4. रजनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। नमस्कार दोस्तों, हेलो आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में उस शो के जिसका नाम है भारत एक मौज। और जब जब हम सोचते हैं कि अब हमने सबसे बड़ी मौज देख ली है, उसके अगले हफ्ते दूसरी मौज हो जाती है। और आपको इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस बार नया एपिसोड थोड़ा जल्दी लेके आ गया हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैंने घड़ी नहीं पहनी हुई, क्योंकि हर एपिसोड में मेरे पास घड़ी होती है, क्योंकि अब मैं जब भी अपनी घड़ी देखता हूँ उसमें दिखता है बुरा टाइम चल रहा है, तो मैंने कहा इसको साथ ही भारी छोड़ के आ जाओ, मैं उसको पहनना ही बंद कर दिया। तो आइए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। दोस्तों, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव मुझे बहुत पसंद है। इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं कि कई बार मुझे, मैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं, मुझे इतनी अंग्रेजी उनकी समझ में नहीं आती क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल दैट इज गॉन नाउ, ऑल दिस लॉस आर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन विल हैपन, हेल्थ केयर विल डेवलप, एजुकेशन विल इंप्रूव, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल ग्रो, टूरिज्म विल इंक्रीज। उन्होंने ये भी कहा कि अब डेवलपमेंट, नाउ डेवलपमेंट विल रीच कश्मीर एंड वायलेंस विल एंड। ये जो डेवलपमेंट जिस ट्रेन पे आ रही है ये तो कहीं पे भी नहीं पहुंची है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये कि अब कश्मीर पे ही जाके सीधा रुकेगी। बहरहाल खाली राम माधव ही नहीं है, मनोहर लाल खट्टर साहब ने ये कहा है, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि अब हम कश्मीरी लड़कियों को शादी करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जायज़ सी बात है, इन्होंने सबसे ज़्यादा लॉजिकल बात करी है, जब हरियाणा में इनकी खुद की बच्चियाँ नहीं बचेंगी, इनके पास लड़कियाँ हैं ही नहीं, इतना ज़्यादा जो रेशियो है इनका मेल फीमेल रेशियो इतना खराब है, बाहर से लाना पड़ेगा इनको। एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आती, कोई भी पॉलिटिकल इशू हो, कोई भी रिफॉर्म हो, कोई भी चेंज हो, कुछ भी हो, ये नॉर्थ इंडिया के लोग, इंडिया के मर्द जो है उसको औरतों से रिलेट कर देते हैं। अब ये कश्मीर के मुद्दे को आर्टिकल 370 हटना या ना हटना वो एक अलहदा मसला है, सरकार का डिसीजन है, उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये जो मर्द हैं ये किस किस्म के लोग हैं जिनको पहला जो इसका फ़ायदा ये दिखा कि हम कश्मीरी लड़कियां वहाँ से लेके आ जाएंगे, भाई वो टमाटर हैं क्या या वो सेब हैं कि आप मंडी से जाके खरीद के लेके आ जाओगे, वो भी इंसान है। जब आप कहते हो कश्मीर हमारा है तो क्या क्या है आपका मतलब, इस तरह से हमारा करना है आपने? तो ये जो जो इंडियंस जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ना, इट इज़ अ केस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है और फिर बाद में उसको कहता है मैं तेरे को प्यार भी तो करता हूँ, ये बिल्कुल वही ट्रीटमेंट कश्मीर के साथ है। और पहला कोई भी मुद्दा हो, पहला औरतों पे क्यों आता है मुझे समझ में नहीं आता। और तुम कैसे शादी कर लोगे, आधे से ज्यादा लोग तो माँ बाप के पूछे बिना करते नहीं है शादी, फिर वो जन्म पत्री मिलाते हैं, फिर कुंडलियां मिलाते हैं, फिर कितने जो है उनके गुण मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं, कोई मांगलिक है कोई नहीं मांगलिक है, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और अब कश्मीर से लेके आ जाओगे तो ये सब फॉलो नहीं करोगे क्या? कुछ भी हवा में बातें करे जा रहे हो यार कि हम कश्मीरी लड़कियों को लेके आ जाएंगे, वो तुमसे बात ना करें यार। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड to take on all those elements who speak about human rights, collateral damage, etc., etc., and just tell them to shut up. In the larger interest, very tough measures are the call of the day in Kashmir, and I don't need to explain to you viewers what I mean by very tough measures. और दोस्तों एक मजेदार बात ये हुई कि तालिबान ने इंडिया और पाकिस्तान को ये बोला है कि आप लोग थोड़ा रेस्ट्रेंट दिखाएं, पीस इज द ओनली सोल्यूशन, और लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, हमने खुद ने लड़के देख लिया है कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन हम लड़ने पे आतुर बैठे हुए हैं कि हमें तो अब लड़ाई ही करनी है। Do not tell me to be soft to them. लेकिन क्या जमाना आ गया, ये हमारे ऊपर सोचने की बात है कि अब तालिबान भी हमें पीस के लेक्चर दे रहा है, तालिबान पीस के लेक्चर दे रहा है। This should be the headline of the century. History by abrogating Article 370 and 35A, which are considered to be very discriminatory in nature. They are raising slogans of Vande Mataram. अपने डांस करने में लगे हुए हैं, नाचने में, भाई इंग्लैंड में तो खूब खुश हो रहे, देख लो भाई ये आज तक वाले पहुंच गए, लेकिन अब कश्मीर की घाटी में श्री राम के नारे गूंजेंगे। तो जिस तरह
तरह से वो डेवलपिंग कर रहे हैं, हमको लगता है, हमको उम्मीद है कि कुछ ही सालों में हमारा देश भी डेवलप्ड कहलाने लगेगा। दोस्तों, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, पटाखे छूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, कई जगह प्रधानमंत्री जी की फोटो के मुंह में मिठाई ठूस रहे हैं कि ये हमारे भगवान, ये कुछ ऐसा करके आए हैं जिससे अब कश्मीर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पर हम रियल एस्टेट खरीदेंगे, और तमाम किस्म की बेवकूफ़ी की बातें भी हो रही हैं और कुछ अकलमंदी की बातें भी हो रही हैं उनके बीच में। लेकिन इतनी खुशी जो हो रही है उन लोगों को जो आज तक कभी कश्मीर नहीं है, कश्मीर छोड़ो जिनके खुद के घर नहीं है, यहाँ पे किराए के मकानों पे रह रहे हैं, अपने किराए भरने में उनको दिक्कत हो रही है, वो कश्मीर में ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं। ये है कश्मीर उनके लिए ज़मीन का एक टुकड़ा, और उस टुकड़े के साथ ही वो औरतों को भी इक्वेट कर रहे हैं, वो भी उनके लिए एक टुकड़ा ही है, और उसी हिसाब से दोनों को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये हर्षोल्लास के माहौल के बीच में कुछ लोगों ने बड़ी मजदार बातें करी, जैसे कि इन साहब को सुन लीजिए। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन का दिन है, जश्न का दिन है। और कश्मीर वालों, पत्थरबाजों, आतंकवादियों, सुधर जाओ, अब कश्मीरी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, जीवे जीवे पाकिस्तान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा, और हिंदुस्तान के साथ रहना है, आगे बढ़ना है तो साथ में आ जाओ, वरना छोड़ेगा नहीं। जिसने एक झटके में 72 वर्ष का पुराना कानून साफ कर दिया, वो अब छोड़ेगा नहीं। कहने को तो ये भाई इस बात की खुशी मना रहे हैं कि जो है अब कश्मीर जो है हमारा हो गया है, लेकिन अगर आप गौर से सुने इनकी बात तो ये एक्चुअली धमकी भी दे रहे हैं कश्मीरियों को कि या तो सुधर जाओ नहीं तो ये सुधार देंगे आके। तो ये किस किस्म का हर्षोल्लास है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें कश्मीरी जो है एक इनविजिबल एंटिटी है, सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि उसकी हमने पिटाई करनी है, वो अभी से वाइफ की तरह, जैसे कि मैंने पहले कहा, और लेकिन उसको अपना भी बोलना है, कश्मीरियों से भी पूछ लो उनके पीछे क्या बीत रही है। और इन भाई साहब ये भी बोल रहे हैं, ये भाई साहब, कि आज 1947 के बाद हमारी पूर्ण आजादी हुई है, और ये ऐसी आजादी हुई है जो आने वाली 100 वर्ष तक 200 वर्ष तक हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी, 200-300 साल तक हमारी आने वाली पीढ़ियां। यार, आई एम ड्रेडिंग, तेरी पीढ़ी अगर आ गई ना, तेरे जैसे बंदों की पीढ़ी आ गई, तो भाई 200-300 साल तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, 40-50 साल तक भी रह जाए ना तो गनीमत है। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है, उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। थैंक यू मोटा भाई। एक तरफ से आजादी का जश्न है ये, वहां अब जम्मू कश्मीर जो एक तरह से गुलाम था वहां के लोगों का, अब आजाद हो गया है, और वहां देश भर के कानून लगेंगे, वहां पर वहां तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, और एफआर लगेगा कि भैया वहां सब लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, और वहां के लिए कोई अलग से सुविधा नहीं रहेगी। तो निश्चित ही ये बहुत ही खुशी का दिन है। ये साहब बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि गुलाम था, किसका, वहां के लोगों का, तो बेसिकली इन्होंने जम्मू कश्मीर को और वहां के लोगों को सेपरेट कर दिया कि लोग पता नहीं कौन है, जम्मू कश्मीर एक चीज है जो गुलाम है इन लोगों का, ये लोग पता नहीं कहां से आए, बाहर से आए, इन्होंने क्या किया है, गुलाम बना लिया जम्मू कश्मीर को। तो ये जम्मू कश्मीर है क्या? ये जम्मू कश्मीर कोई नदी है, कोई पहाड़ है, या कोई पत्थर है, या कोई मकान है, या कोई दुकान है, या सेब है, क्या है जम्मू कश्मीर जो इन लोगों का गुलाम है? ये लोग वहां पर रहते हैं भाई, आपको क्या क्या चाहिए? क्या मतलब, आपको ये लोग चाहिए या आपको ये पत्थर चाहिए? अगर आपको, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आपको खाली ये जम्मू कश्मीर एंटिटी चाहिए, लोग गए भाड़ में। और ऊपर से आप ये भी बोल रहे हैं इनकी अब सब सुविधाएं ले ली जाएंगी, ये किस किस्म की आजादी है जहां पे आप लोगों की सुविधाएं ले रहे हो और बोल रहे हो कि लोग गए पता नहीं गुलाम कर रहे हैं और ये हमारा है? ये जो पूरा नैरेटिव है आप मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट समझा दे एक बार, मैं आपकी टीम में हो जाऊंगा। मैंने बोला था ना कि आर्टिकल 370 को हटाऊंगा, हुआ कि नहीं हुआ? चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है, चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कश्मीरियों को बधाई दी है कि उन्होंने साथ दिया है सरकार का इस पूरे मसले के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्वीट जो किया गया है ये कश्मीरियों तक पहुंचेगा कैसे, या कोई स्पेशल हमारे पास कोई नया यान विमान वेदों से लाके बन गया है जो उड़ के पहुंचाएगा ट्वीट वहां पे। लेकिन मैं कश्मीरियों को ये बोल रहा हूं कि भाई अगर ये आपके पास ट्वीट पहुंच रहा है तो आप उसी विमान पे वापसी पे अपना भी एक ट्वीट भेज दें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। It's 2014 on Facebook Talks Live here on NDTV. Article 370. आर्टिकल 370 में मेरा ये मानना है कि ये देश जो है दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं, वन इज सिमेट्रिकल फेडरलिज्म एंड वन इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म।
सिमेट्रिकल फेडरलिज्म इज यूएसए जैसे जितने स्टेट्स हैं सबको सेम टाइप के अधिकार हैं, सेम टाइप के ये हैं, सेम टाइप के. भारत का जो एग्जिस्टेंस हुआ ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस था. एक स्टेट सिक्किम बाद में आया और एक स्टेट इस टाइम आया और अलग अलग स्टेट्स के साथ अपने अलग अलग एक्सेशन के एग्रीमेंट्स हुए. यूएसए में भी ऐसे अलग अलग उनके स्टेट लॉज होते हैं. ठीक है. नाउ आर्टिकल 370 है जैसे वैसे ही आर्टिकल 371 है, 371 ए है, 371 बी है, 371 सी है. देर आर 13 मोर स्टेट्स जिनके साथ हमारे अलग अलग किस्म के संविधान के अंदर वो हैं, प्रोविजंस हैं. ट्राइबल एरियाज के लिए अलग है, हिली एरियाज के लिए अलग है. ये देश बड़ा डाइवर्स है, ये देश बड़ा अलग अलग है कल्चर. यू लीव इट अलोन. मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. मेरे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी, आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी गंगा किस तरफ को बह रही है, आपका ऊंट किस करवट को बैठ रहा है. कभी आप इधर होते हो, कभी आप उधर होते हो. आप बड़े कंफ्यूजिंग आदमी हो गए हो. आप इतने कंफ्यूजिंग हो गए हो कि मैं रूबिक्स पजल की तरह आपको देखता हूं कि कैसे इस बंदे को सॉल्व करूं मैं. कभी आप कुछ कहते हो, कभी आप कुछ कहते हो. आपने बहुत पहले कहा था कि सब मिले हुए हैं, जिसमें आपने कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी सबको शामिल कर दिया था कि सबके सब मिले हुए हैं. जी आज मैं आपकी बात मान गया कि अब आप भी मिल गए हो और सब मिले हुए. इंश्योर दैट देर इज नो नेगेटिव फॉलोआउट इन द प्रोसेस. पॉलिटिकल लीडर्स, फॉर पॉलिटिकल लीडर्स प्रिवेंटिव अरेस्ट आर ए कॉमन थिंग. और राम माधव जी इस इंटरव्यू में ये भी बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या अरेस्ट इज नेसेसरी. तो नेसेसरी है तो सर मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि इस तरह के बहुत सारे घूम रहे हैं, जैसे वो सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर साहब हैं, जो कि जाहिर रूप से एक क्राइम को उन्होंने अंजाम दिया एक बच्ची के साथ. जरा इस तरह के लोगों की भी प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट कर लो तो थोड़ा भला हो जाए और जो डेवलपमेंट की ट्रेन जो वहां पहुंचने वाली कश्मीर में यूपी से होते हुए चली जाएगी. एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं भाई, मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा. दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आने वाला है, मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बियर ग्रिल के साथ जंगल में सर्वाइव करेंगे. मैं यूपी में रहता हूं तो मैं ऑलरेडी जंगल में सर्वाइव कर रहा हूँ, वाइल्ड में, इंडिया का वाइल्ड वेस्ट में मैं रह रहा हूँ. लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, आप देखिए. मुझे वैसे भी एनिमल प्लैनेट देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सारे एनिमल जो उसमें आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में बियर ग्रिल्स ने प्रधानमंत्री को एक भाला दिया और बोला ये यूज़ करें आप, और उन्होंने बोला कि माई अपब्रिंगिंग डज नॉट अलाउ मी टू किल एनीबडी. मेरा दिल गदगद हो गया, मैं आंखों से आंसू निकल आए. ऐसा प्रधानमंत्री जो इतनी उच्च कोटि की बातें करे, मैं समझता हूं कि दुनिया भर के सारे प्रधानमंत्री ऐसे हो जाएं तो दुनिया चेंज ही हो जाएगी. वेलकम टू इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया. सुना है ये जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है इससे कश्मीरी बहुत खुश हैं. इतने ज्यादा खुश हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं. मैं कह रहा हूं कश्मीरी इतने खुश हैं तो लगे तो उनसे पूछ लो ना, प्लेबिसाइट करा लो किस तरफ रहना है. अभी तो नंबर है तुम्हारा, तुम्हारी साइड बैठ जाएंगे. Thank you.